नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बड़वानी में आयोजित रैली को कमलनाथ ने संबोधित किया। प्रदेश में 2023 में कांग्रेस सरकार बनेगी और आदिवासियों के साथ न्याय होगा। कमलनाथ शिवराज मुंबई जाकर एक्टिंग करें, उनके कान और आंख जनता के लिए बंद है, सिर्फ मुंह ही खुला है। आदिवासियों के अधिकारों का हनन कर रही है शिवराज सरकार, जनता सच्चाई का साथ दे। कमलनाथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़वानी में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समाज के लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के हितों के लिए पूरा संघर्ष कर रही है और हर मोर्चे पर डटी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने आज बड़वानी में आदिवासी अधिकार जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। प्रदेश में लगातार आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार, आदिवासी दिवस के अवकाश को समाप्त किए जाने और आदिवासी वर्ग के अधिकारों के हनन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की रैली में 50,000 से अधिक लोग शामिल हुए। कांग्रेस की रैली को देखकर प्रशासन इस कदर डर गया कि 25,000 से ज्यादा लोगों को रैली स्थल के बाहर ही दूसरे इलाकों में रोक दिया गया। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत विकट हो गई है। शिवराज सिंह चौहान ने हर महीने 1,00,000 नौकरियां देने का वादा किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। मैं आपसे पूछता हूं कि ये रोजगार कहाँ है, नौकरियां कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों ही एक्टिंग करने में बहुत आगे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सलाह दी कि वो मुंबई चले जाएं और वहां जाकर सलमान खान की तरह एक्टिंग करें। ऐसा करने से वे अभिनय के क्षेत्र में प्रदेश का गौरव बढ़ाएंगे। संवाददाता दीपक बर्थी की रिपोर्ट।